पंजाब में चौथी कोरोना की लहर आने का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि पिछले दो दिनों में पंजाब में 159 नए मरीज मिले हैं। इनमें से भटिंडा में एक मरीज को आईसीयू में रखा गया है। वहीं राज्य में 6 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा मरीज पटियाला में मिले हैं, जहां राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी में कोरोना का बम फूटा। पटियाला में दो दिनों के अंदर 112 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पंजाब में गुरुवार को कुल 87 मरीज मिले, जहां राज्य की संक्रमण दर बढ़कर 1.01% रही। बता दें कि 1 अप्रैल से 5 मई यानी कि 35 दिनों में कोरोना के 746 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 551 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा 173 मरीज पटियाला में मिले, तो वहीं दूसरे नंबर पर मोहाली है, जहां 143 मरीज मिले हैं। लुधियाना में 100 मरीज मिले, जबकि चौथे नंबर पर 74 मरीजों वाला जालंधर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट।